hello guys welcome back to my channel how are you i hope you all are well before starting my video i would like to thank to all who have subscribed my channel and uh, so let us start the today video uh, we are going to study the second chapter all of the government in the health and i am having the book social and political life class 7 and this video is going to be little bit longer, but I assure you, after uh, listening this video, you, you will learn all the concept that is prescribed in this lesson. Okay, so what we are going to study in the chapter? Role of the government in health. What is health? What is healthcare equality? What are the initiative to be taken? What are the healthcare services public and private? And what um, and how are the healthcare in India? These. Uh,

ठीक है डिसीजन लेने का तो वो चीज़ डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी जो पीपल है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारी गवर्नमेंट है वो वर्क करेगी वेलफेयर क्या होता है जैसे भलाई के लिए अच्छे कामों के लिए वर्क करेगी भाई गवर्नमेंट ही करेगी दिस कुड भी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन अब जो गवर्नमेंट है वो कैसे करेगी एजुकेशन देगी हेल्थ को ध्यान रखेगी इंप्लायमेंट देगी हाउसिंग या डेवलपमेंट ऑफ रोड्स ठीक है रोड्स की डेवलपमेंट होगी इलेक्ट्रिसिटी एसेट्रा इन चीजों को अगर वेलफेयर हो रहा है तो दैट मीनस हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है वर्क कर रही है इन दिस चैप्टर वी शेल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि जो मीनिंग क्या है हेल्थ का और क्या क्या प्रॉब्लम क्या रिलेटेड है से लुक एट द सब हेडिंग ऑफ द चैप्टर ठीक है मैं चैप्टर की हेडिंग जैसे क्लियर ही है कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ की गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ में है ना वही चीज हम क्या पढ़ने वाले है? इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एक बार मैं थोड़ा थो क्लोज करके दिखा देती हूँ देखो ये जो पिक्चर्स इसमें बुक में दी हुई है ना ये सारी की सारी हेल्थ से रिलेटेड ही है एक्सेप्ट तो जो पिक्चर हैं वो भी बाद में डिस्कस करते हैं अब देखो पहला क्या है पॉइंट दिया है कि व्हाट इज हेल्थ कि हेल्थ होता क्या है वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज हम हेल्थ को ना कई तरीकों से सोच सकते हैं हेल्थ का मतलब क्या है कि आर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस ठीक है हेल्थ का मतलब अगर हम सोचें तो मतलब इसका क्या है कि जो हमारी एबिलिटी होती है जो हमारी क्षमता होती है कि हम किसी बीमारी से अपने आप को आजाद रखे फ्री रखे ठीक है बीमारी है या इंजरी है किसी दुख से बट हेल्थ इज नॉट ओनली अबाउट डिजीज लेकिन हेल्थ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिजीज डिजीज मतलब किसी बीमारी से रिलेट करते हैं यू मे हैव एसोशिएट ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबव कोलाज विद हेल्थ ठीक है आपको जो पिक्चर में जो कोलाज है हेल्थ से आप सिचुएशन देख सकते हो बट वी ऑफन इग्नोर इज द फैक्ट दैट ईच ऑफ द अब सिचुएशन रिलेटेड टू हेल्थ लेकिन ये नहीं कि सभी की सभी जो सिचुएशन है वो हेल्थ से रिलेटेड है इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम डिजीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स ठीक है हमें और भी फैक्टर्स देखने हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं लाइक like, इफ़ यू पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूशन फ्री एवायरमेंट दे आर लाइक टू बेल्दी अगर लोगों को साफ पानी मिल जाए ठीक है पोलूशन फ्री इन्वायरमेंट मिल जाए तो ओब्वियसली है कि वो हेल्दी रहेंगे अगर ऑन द अदर हैंड इफ पीपल डोंट गेट एडुकेट फूड अगर लोगों को खाना ही नहीं प्रॉपर मिल रहा है ठीक है क्रैम्प्ट कंडीशन मतलब बुरी कंडीशन में अगर वो रहने तो दे विल प्रो टू इलनेस तो, तो लाजमी सी बात है कि वो बीमारी तो होगी ही ना बीमारी से ग्रस्त होंगे प्रोन टू विलनेस का बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे ऑल ऑफ एस वुड लाइक टू बी एक्टिव इन गुड स्पिरिट्स एंड वट एवर वी मे बी डूइंग हमें इसका मतलब क्या है कि हमें सभी को हर सिचुएशन में एक्टिव रहना चाहिए चाहे हम कुछ भी कर रहे हो इट इज नॉट हेल्दी टू बी डल इनएक्टिव एंक्शस केयर फॉर लॉन्ग स्ट्रेचिज ऑफ टाइम ठीक है ये नहीं कि हम बहुत लंबे टाइम तक ये भी हेल्दी नहीं है कि अगर हम डल रहें हम कुछ ना करें नीरस रहें इनएक्टिव रहे चिंतित रहें तो वो भी मतलब हेल्दी नहीं है वी ओनली टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन ठीक है मेंटल स्ट्रेन का तो जो मानसिक जो तनाव होता है उसको मेंटल स्ट्रेन बोलते हैं मतलब हमें मेंटल स्ट्रेन से दूर मतलब कि हमें जरूरत है कि मेंटल स्ट्रेस ना हो ऑल ऑफ दिस वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आर पार्ट ऑफ हेल्थ ठीक है ये सारी चीजें मतलब हमारी बॉडी में हम मतलब कि हम मतलब मेंटली स्ट्रेस ना हो कोई हम एक्टिव रहे तो कोई टेंशन ना हो तो वो भी तब भी इंसान हेल्दी मान जाता अगर ये चीजें हैं तो मतलब तब हेल्दी नहीं है वो ठीक है तो ये चीज अब इसमें क्या है जो एक क्वेश्चन देख ये पिक्चर बताई गई है कि वुड यू एसोशिएट ऑल ऑफ सम ऑफ दिस पिक्चर विद हेल्थ इन वट वेज डिस्कशन डिस्क ग्रुप हाँ क्यों ये बिल्कुल सारे के सारे जो जितने भी पिक्चर्स दी गई है क्लास बना हुआ है ये सारी की सारी हेल्थ है से रिलेटेड हैं ठीक डि... है डायरेक्टली रेड इनडायरेक्टली वो हेल्थ इश्यू से ही कंसर्न करते हैं फिर टू सिचुएशन बोली है कि उन्होंने वो क्लाज में से बताओ कि जो उसे रिलेटेड नहीं है हेल्थ से ठीक है एक तो जो अर्थन वाली है अर्थन पोर्ट रखे हुए हैं और एक जो कंटेनर्स रखे हुए हैं जो गार्बेज के इन फ्रंट ऑफ ए स्लम ठीक है ये दोनों रिलेटेड नहीं है हमारी yeah, फिर नेक्स्ट क्या दिया हो हमारा कि हेल्थ केयर इन इंडिया कि इंडिया में हेल्थ केयर कैसी है आपको ये पढ़ना है इसमें ठीक है इसमें टू सिचुएशंस दी गई हैं अब क्या कह रहे हैं लेटेस्ट एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इंडिया कि कंपेयर कंट्रास्ट किया गया सिचुएशन को किस दोनों कॉलम्स में क्या है ठीक है पहली सिचुएशन में क्या दिया गया कि जो इंडिया है अभी लार्जेस्ट नंबर की जो मेडिकल कॉलेज है हमारे वर्ल्ड में फिर इसमें जो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा है अप्रोसीमेटली फिफ्टीन न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं ठीक है फिर बता रहे कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो हर साल बढ़ रही है नाइनटीन में 2717 थी और 1991 में फिर 11000 हो गई है 2000 से देखो और 2000 में कौन सी हो गई है, Almost हो गई है ना समथिंग इंडिया क्या है लार्ज मेडिकल टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं ना मैनी कंट्री से और जो ट्रीटमेंट के लिए आते हैं हॉस्पिटल्स में और नेक्स्ट क्या है कि इंडिया क्या फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन सा प्रोड्यूसर है मेडिसिन में वर्ल्ड में ठीक है एक्सपोर्ट भी करते हैं मेडिसिन की फिर इसमें तो ये क्या चीज़ हो गया अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें यहाँ पे सॉरी ऊपर है कैन यू प्रोवाइड एड टाइटल हमें टाइटल देना है दो सिचुएशन दे दी कि क्या है तो पहले सिचुएशन का टाइटल क्या होगा इंडिया फ्लरिशिंग मेडिकल लैंडस्केप थी, ठीक है जैसे इंडिया फ्लरिश कर रहा है मेडिकल उसमें तो ये बन जाएगा किस तरीके कि से फ्लरिश मतलब कि बढ़ रहा है किस तरीके कि से फैसिलिटी बढ़ रही है वो तो हमें इस कॉलम में बताई हुई है नेक्स्ट क्या कि जो इंडिया में जो ड्रॉबैक्स क्या हैं जो हेल्थ से प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है वो हमें इस कॉलम में पता चल रहा है कि ये क्या कह रहे हैं कि जो मोस्ट ज्यादा डॉक्टर हमें वो अर्बन एरियाज में है जो लोग वो रूल एरिया में तो रहते हैं उनको बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है ये बात रूल एरिया में है वो हर साल ट्यूबल टीवी प्रॉब्लम है उसे, <coughs> मर रहे हैं। तो जिसमें क्या है कि इंडिपेंडेंस के बाद कुछ ज्यादा चेंज नहीं है टू मिलियन मलेरिया के फाउंड हो रहे हैं फिर नेक्स्ट क्या बताया हुआ है कि जो ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं हो रही है सबकी जगह कम्युनिकेबल डिजीज जो फैल रही हैं ठीक है ठीके? जो एक दूसरे से जैसे बीमारी जो लगती है उसको बोलते हैं डायरिया है वोम्स है हेपेटाइज है ठीक है ठीके? और आधे से ज़्यादा बच्चे क्या होते हैं उनको एडिकेट फूड नहीं मिलता है तो ये तो क्या होगा कि एक तरफ एक पहलू तो ये बता रही है कि जो इंडिया क्या है कि किस तरीके से मतलब कि तरक्की कर रहा है और दूसरा पहलू ये क्या बता रहा है कि भी इंडिया में अभी भी ये चीज़ों की कमी है ठीक है दोनों का ही कंपेयर और कंट्रास्ट कर दे सिचुएशन में फिर उसके बाद क्या है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द ट्रीट इलनेस वी अप्रोपेट हेल्थ केयर फैसिलिटी ठीक है जो जैसे अगर हमें बीमारी है उसको ट्रीट करना है तो हमें क्या है हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए हेल्थ सेंटर्स भी होने चाहिए हॉस्पिटल्स भी होने चाहिए लेबोरेटरीज भी होनी चाहिए टेस्टिंग एम्बुलेंस के लिए सर्विस के लिए बैंक के दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर ठीक है जो हमें क्या कर सकते हैं केयर को प्रोवाइड कर सकते हैं है ना इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटी और इस फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स भी चाहिए नर्सेज भी चाहिए क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी चाहिए हेल्थ प्रोफेशनल्स भी चाहिए जो एडवाइस कर सके डायग्नोस कर तो देख सके ट्रीट कर सके बीमारी को किसी को है ना और मेडिसिन या इक्विपमेंट की जरूरत होती है जो किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं तो ये फैसिलिटी सभी की सभी हमें चाहिए होती हैं फिर नेक्स्ट कह दिया हुआ है कि हमारा जो इंडिया है उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं क्लिनिक्स हैं हॉस्पिटल्स हैं जो कंट्री में क्या है एक कंसिडरेबल एक्सपीरियंस है नॉलेज इन रनिंग पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम ठीक है जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होते हैं उसमें मतलब कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनमें एक्सपीरियंस भी होता है नॉलेज भी होता है तो एक ऐसा सिस्टम होता है जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम की बात की गई है कि जिसमें हॉस्पिटल्स हेल्थ सेंटर कौन रन करता है गवर्मेंट गवर्नमेंट रन करती है ठीक है जब गवर्नमेंट रन करे जो हेल्थ केयर सेंटर को तो वो पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स होंगे राइट फिर क्या दिया इट हैज़ एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ड सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड अवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ विलेजेस जो विलेजेस में जो काफी सारे हजारों संख्या में लोग हैं उनको देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वी विल गो इन मोर डिटेल ऑन दिस लेटर हमें पूरी डिटेल में आगे पता चलेगा कि क्या है डिटेल्स में और हावर देखिए देखिए सेकेंड एकोलम का क्या बताया गया जो हमारे कुछ पॉइंट्स हैं देखिए पुअर हेल्थ सिचुएशन है कंट्री की जिसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नहीं है प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं दी जाती है लोगों को एक पैराडॉक्स है पैराडॉक्स क्या मतलब विरोधाभास की एक तरफ तो कह रहे हैं फोर्थ रैंक है और ऊपर से लोगों को मिलना ही पैराडॉक्स तो बोल, बोल देते हैं ठीक है हमारी कंट्री में बहुत सारा पैसा है नॉलेज है एक्सपीरियंस भी है लेकिन जो मतलब कि हर हर किसी को तो हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं है ना तो ये चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं रीजन क्या हैं फिर ये स्टोरी दी गई है एक हकीम शेख की स्टोरी दी गई है कि जो हकीम जो शेख है वो एक पश्चिम बंगा खेर मजदूर समिति है ठीक है पश्चिम बंगा खेर खेत मजदूर समिति है उसमें एक ऑर्गेनाइजर है ऑर्गेनाइजेशन जो एग्रीकल्चर लेबरर की वेस्ट बंगाल में तो एक शाम क्या होता है नाइनटीन नाइन्टी टू में वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है ठीक है ना उसके एक्सीडेंट होने के बाद उसके हेड इंजरी होती है सिर में चोट लगती है उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो जाती है तो बुरी कंडीशन होने के बाद उसको क्या एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और उसमें क्या होता है कि अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलते फोट आवर्स तक मतलब उसको क्रिटिकल सिचुएशन में उसको रहना पड़ता है फिर हार के लास्ट में क्या होता है कि उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है ठीक है और फिर वो अपनी रिपोर्ट क्या है कोर्ट में अपना केस डाल देता है कि अगर मान लो जो प्राइवेट हॉस्पिटल ना हो तो वो तो उसकी तो जान भी जा सकती थी जब पब्लिक सेंटर जब रखे हुए हैं लोगों का इलाज करने के लिए अगर लेकिन उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है ठीक है तो इसलिए उसने क्या कर दिया कोर्ट में केस डाल दिया ठीक है तो ये एक स्टोरी दी गई है फिर एक नेक्स्ट एक सिचुएशन दी गई है कि कॉस्ट ऑफ केयर ठीक है जो इलाज होता है उसका खर्चा क्या है अब दो पर्सन है एक अमन है एक रंजन है ठीक है दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जबकि जो रंजन होता है वो अपने मतलब कि कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली बहुत अच्छी फैमिली से है जो अमन के जो पेरेंट्स है वो क्या है उसको मतलब अपनी कि अपनी एंड टू मिट्स का मतलब कि अपनी जो लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बड़े मुश्किल से चलाना स्ट्रगल करना पड़ता है ठीक है जो ईजी लाइफ नहीं है आप ये कह सकते हो ठीक है तो जो अमन है थोड़ा सा मतलब कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है जो रंजन बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है तो ये पूरी सिचुएशन है ये मैं पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ने बैठ गई तो बहुत टाइम लग जाएगा तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ इसमें क्या गया कि जो दोनों ने अपने एक्सपीरियंस रंजन है हॉस्पिटल में ज्यादा लंबी लाइनें नहीं लगती है ठीक है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है हर फैसिलिटी होती है लेकिन जो अमन होता है जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है तो बताता है कि भाई उसको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ा लंबी लाइन पिक्चर में दिखाया लंबी लाइन्स में लगना पड़ा उसको ठीक है बहुत सारी मतलब उसको दवाइयां तो नहीं मिली लेकिन है कि उसकी दवाइयों पे कम खर्चा आया ठीक है तो ये सब चीज़ें हमें इसमें सिचुएशन को पढ़ने के बाद पता चलता है ठीक है फिर उसके बाद क्या है हमारा कि फिर अब बता रखा है कि देखो वाई डर द रंजन हैव हाँ टू तो स्पेंड सो मच मनी अब रंजन को क्यों स्पेंड करने पड़े क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था प्राइवेट हॉस्पिटल क्या होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं ना तो ये रीज़न रहेगा फिर क्या कि क्या प्रॉब्लम थी अमन को फेस करनी पड़ी अमन को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि अमन को बहुत लंबी लाइनों में लगना पड़ा और वेल ऑर्गेनाइज नहीं होते ठीक है वेर डू यू गो वेन यू आर इल अगर आप कहाँ जाना चाहोगे जब आप बीमार होते हो ओवियसली हम कहाँ जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं क्योंकि वहाँ पर सभी फैसिलिटी मिल जाती है और जल्दी से नंबर भी आ जाता है फिर वट प्रॉब्लम्स डू वी फेस इन प्राइवेट हॉस्पिटल लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें प्रॉब्लम क्या फेस आती है कि एक्सपेंसिव होता है खर्चा ज्यादा आता है ना और ज्यादा दवाइयां भी दे देते हैं ताकि उनके डॉक्टर्स के पैसे बने ना अब ये क्या है वाई पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट हम गवर्नमेंट को अब क्यों पे करते हैं देखो टैक्सेस का क्या होता है कि हम जो पैसे होते हैं हम गवर्नमेंट को देते हैं तो गवर्नमेंट उन पैसों से क्या करती है वो जो डेवलपमेंट होती है कि जैसे रोड्स बनाना है हॉस्पिटल है बच्चों की स्टडी का है वो सारा का सारा गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है वो टैक्सेस के थ्रू ही आता है ठीक है ये सारे के सारे यही चीज़ बताई हुई है इसमें फिर हमारे क्या है कि हमारे पास टू टाइप की सर्विसेज हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था हम ये करने वाले हैं चैप्टर में पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज ठीक है फ्रॉम द अब स्टोरी से हमें क्या पता चला कि हमने हमने टू कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया रंजन और अमन की स्टोरी से हमने इसको टू इसमें डिवाइड कर दिया कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं और प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज होती हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का मतलब क्या होता है एक चेन होती है हेल्थ केयर सेंटर की हॉस्पिटल्स की जो गवर्नमेंट रन करती है ठीक है सिंपल वैसे पब्लिक हेल्थ सर्विस से नाम से क्लियर है कि जो गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी हमें हेल्थ फैसिलिटी दी है वो क्या होती है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज बोलते हैं ठीक है दे आर टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल अर्बन एरियाज को दोनों को ही वो कवर करते हैं जो कॉमन इलनेस होती है स्पेशल विलेज लेवल पे क्या होता है बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स होते हैं ठीक है ट्रेंड उसमें डीलिंग में कॉमन इलनेस जिसे जो आम बीमारी उसको डील किया जाता है वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर ठीक है जैसे डॉक्टर के सुपरविजन अंडर जो काम होते हैं उसको क्या बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर ठीक है पीएस इसकी फुल फॉर्म भी आ सकते हैं एग्जाम में पीएससी का मतलब क्या होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर ठीक है जो गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंडर जो काम किए जाते हैं तो के जो सेंटर होते हैं हर गांव में हर रूरल एरिया में होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं ठीक है जो सुपरवाइज करते हैं हेल्थ सेंटर्स को तो जो बड़ी बड़ी सिटीज होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे होते हैं सच एज वन वेयर अमन वोस एंड ऑल्सो स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच द वंस इन हकीम शेख शुड़े ठीक है तो अब जैसे जो हमने बड़े बड़े जो एक सिटी में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे आपने अमन की स्टोरी में पढ़ा ठीक है स्पेशलाइज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं और हकीम शेख की स्टोरी में देखा आपने है ना, कि किस तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं तो हेल्थ है सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीज़न ठीक है पब्लिक कहने का रीज़न क्या होता है कि इन ऑर्डर टू फुलफिल इज द कमिटमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन ठीक है पब्लिक का मतलब क्या है कि आप हर नागरिक को हर पर्सन को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करें जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया कुछ हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर्स तो जो रिसोसेज हैं उसको हमें जरूरत होती है कुछ मतलब कि सर्विस अब ये जो गवर्नमेंट है वो गवर्मेंट है वो हॉस्पिटल खोल रही है उसके पास पैसा कहाँ से आएगा उसके पास पैसा क्या आ जाएगा टैक्सीज की फॉर्म में आएगा तो ये कुछ फैसिलिटी सबके लिए हो जाती है फिर ठीक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है जो पब्लिक

ठीक है और फिर जो ये सब प्रॉब्लम्स को दूर करती है तो ये जो ऑर्गेनाइज किया था गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव इसमें जो गवर्नमेंट होता है उसमें उसका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड टेकिंग अब कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटो डोंट ब्रीड इन वाटर कूलर्स रूफ टॉप्स एट्सेट्रा दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया अगर एग्जाम्पल के तौर पर ले कि अगर जैसे मान लो हम एक आंदोलन चला दें ठीक है जो मॉस्कीटोज हैं वो मतलब कि डोंट ब्रीड इन वाटर कूलर्स मतलब कि जो वाटर कूलर्स में या छत पर अगर पानी फैल जाए तो इससे क्या हो जाता है कि आ, हमारा ये मतलब जो मॉस्किटो है वो ज्यादा नहीं फैलते अगर जैसे हमें वाटर कूलर में पानी चेंज करते रहे छत पर पानी ना इकट्ठा हो तो इसे like ठीक है? जैसे अपने हकीम सिंह की जो स्टोरी पढ़ी है कि आपको आ, क्या लगता है कि भी उसका जो केस में कोर्ट ने क्या उसको दिया होगा आंसर अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्राइमरी ड्यूटी हमारी गवर्नमेंट की टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ये अब जब उसने केस किया तो जरूर क्या हुआ होगा कोर्ट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट मतलब कि उसके हॉस्पिटल के अगेंस्ट कुछ कार्रवाई की होगी क्यों क्योंकि हर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है हर इंडिविजुअल को कि फैसिलिटी मिलनी चाहिए अगर उसको फैसिलिटी नहीं मिल रही है तो वो कंप्लेंट कर सकता है द गवर्मेंट मस्ट सेफ गार्ड टू द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन जो हमारी गवर्मेंट है वो क्या करती है एक सेफ गार्ड है सेफ गार्ड क्या है मतलब कि पूरा मतलब उसको हर पर्सन को राइट right, लाइफ का राइट right दे रखा है कोर्ट्स है डेट द डिफिकल्टी दैट हकीम सिंह हैड टू फेस कवर हैव कोर्स हिम विद हज लाइफ ठीक है जो हकीम सिंह ने जो फेस करी है मतलब उसको लाइफ भी जा सकती थी उसकी इफ अ हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन कि अगर हॉस्पिटल टाइमली मेडिकल फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकता तो इसका मतलब क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज नॉट बिगन गिवन की जो लाइफ की जो प्रोटेक्शन है वो अभी उसको नहीं दी गई है द कोर्ट इट अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी कि कोर्ट ने क्या कहा होगा कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि उसको हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए ठीक है जाएरजेंसी सिचुएशन कोई हो तो उसमें वो उसको टेक केयर करे जो हॉस्पिटल है मेडिकल स्टाफ है मस्ट फुलफिल दर ड्यूटी कि जो उसको पूरी जो मेडिकल स्टाफ है जो उसकी ड्यूटी बनती थी कि उसको ध्यान दिया जाए उसको जो हकीम सिख है जो वो उस डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्मेंट हॉस्पिटल ठीक है जो हकीम सिंह को मतलब कि मना किया गया ट्रीटमेंट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ कोर्ट आज तक स्टेट गवर्नमेंट गिवन हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन इज ट्रीटमेंट जो मतलब कि कोर्ट ने क्या बोला होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को बोला होगा कि उसे पैसे दिए जाए ताकि जा, ता उसके जो भी खर्चे मतलब आया तो इसी मतलब कि हमारा पढ़ने के बाद ही हमें देखो तो उस स्टोरी का जो आंसर अधूरा रहेगा था ना उसका यही है कि भाई अगर उससे जब कोर्ट में केस डाला है तो इस कोर्ट ने क्या फैसला लिया होगा कि स्टेट गवर्नमेंट को जो भी इसका खर्चा आया है वो उसको पे किया जाएगा क्योंकि उसको कि क्योंकि जब वो हेल्थ मान कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो उसको देखे अगर उन्होंने नहीं देखा है तो अब उनको पे करना पड़ेगा लेकिन पे कौन करेगा स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी ठीक है अब ये तो थी हमारी क्या है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज़ में आपको पता लग गया ना कि जिसमें गवर्नमेंट जो हेल्थ केयर सेंटर प्रोवाइड कर रही है हर सिटीज़न की हेल्थ के लिए अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी का मतलब नाम से ही क्लियर प्राइवे, प्राइवेट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी का मतलब क्या है जो इंडिविजुअल अपने मतलब कि अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब खर्चा करके हॉस्पिटल बनाते तो उसको बोलते हैं देर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी ठीक है बहुत सारे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी है जो हमारी कंट्री में है बहुत सारे नंबर्स पर जो डॉक्टर्स हैं प्राइवेट क्लिनिक्स खोले बैठे हुए हैं ना रूरल एरियाज़ में क्या है आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मिलेंगे आर एम पी फुल आपको अच्छे से याद रखनी है है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ठीक अर्बन एरियाज रखने लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर जो अर्बन एरियाज में क्या होते हैं लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स होते हैं ऑफ मेन्यम क्या होते हैं जो स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो हॉस्पिटल्स हैं नर्सिंग होम्स हैं वो खुद के मतलब प्राइवेटली ओन्ड होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लेबोटरीज होते हैं स्पेशल फैसिलिटीज एक्सरे है अल्ट्रासाउंड के खुद के ही होते हैं और बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पे हम मेडिसिन भी बाय करते हैं ठीक है जो क्लिनिक होते हैं तो उनके खुद की जैसे मेडिसिन होती हैं ठीक है जिस तरीके से देखो मैं क्लोज थोड़ा सा करके दिखाती हूँ ये आपको ये पिक्चर दिखा रखी है कि किस तरीके से रूम होते हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ओपीडी होते हैं बहुत अच्छी होती है एज द नेम सजेस्ट प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी नॉट ओन बाय द कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ठीक है इसका मतलब नाम से क्लियर है कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में जो प्राइवेट फैसिलिटीज होती हैं उसमें बहुत सारे पैसे पे करने होते हैं तो टूडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटी कैन बी आजकल आप हर जगह दे सकते हो जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी होते हैं ना इनफैक्ट आर लार्ज कंपनीज़ भी हैं जो हॉस्पिटल चला रही हैं जो मेडिसिन बेच रही हैं जो मेडिकल शॉप्स हैं आपको हर जगह मिल जाएगी हर कंट्री के हर कोने पे मिल जाएंगे तो हेल्थ केयर और इक्वलिटी की अगर बात करें इस एडिक्ट हेल्थ केयर अवेलेबल टू क्या जो हेल्थ केयर है क्या वो सभी के लिए अवेलेबल है अगर हम इसके ऊपर बात करें तो क्या हमें पता चलता है कि इंडिया में बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पे प्राइवेट सर्विसेज तो हैं बढ़ रही हैं लेकिन पब्लिक सर्विसेज नहीं हैं ठीक है थीके? तो क्या लोगों तक तो प्राइवेट सर्विसेज अवेलेबल हैं तो दीज आर कॉन्सेंट्रेटेड लेकिन ये जो पब्लिक uh, जो सॉरी प्राइवेट फैसिलिटी है वो कहाँ पे ज्यादा है अर्बन एरियाज में हैं। जो है जो सर्विसेज हैं वो अपने प्रॉफिट के लिए कमाते हैं ना प्रॉफिट के लिए जाते ताकि उनको फ़ायदा हो जो मेडिसिन जो देते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी भी होती हैं मैनी पीपल क्या होता है कुछ अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं ना तो उनमें जो उनकी जो फैमिली जब अगर कोई बीमार हो तो वो उनको बोरो करना पड़ता है ठीक है उधार लेना पड़ता है तो कुछ प्राइवेट सर्विसेज होती हैं वो इनकरेक्ट प्रैक्टिस कि सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए होती हैं तो इस टाइम में जो इन एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव कुछ अवेलेबल होने चाहिए जिसको हम यूज़ कर सकें फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स है उनको वो प्रिस्क्राइब करें, superfluous, uh, superfluous saline, कि कम जैसे दवाइयों से भी काम चल सकता है लेकिन वो जान के ज्यादा इंजेक्शन मेडिसिन लिख देते हैं इनफैक्ट ट्वेंटी पीपल जो पॉपुलेशन है हमारी वो मतलब कि कांट अफोर्ड ठीक है सॉरी कैन अफोर्ड मेडिसिन दैट द रिक्वर्ड सिर्फ ट्वेंटी परसेंट परसेंट बहुत कम होता है ना वही पॉपुलेशन होती है जो मेडिसिन को अफोर्ड कर पाती है इलनेस के टाइम में और जो वन माइट नॉट थिंक एज ए बींग लेकिन जो पुअर होते हैं वो ऐसा नहीं सोच सकते जो मेडिकल एक्सपेंस है और इट हैज बिन रिपोर्टेड इन स्टडी जो ये रिपोर्ट किया गया कि जो फोर्टी परसेंट होते हैं ना जो पीपल है जो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में बीमारी की वजह से वो बोरो करते हैं पैसे किसी से लेकर उधार लेकर या कुछ बेचना पड़ता है उनको तब वो खर्चा मतलब लेकर उठा पाते हैं तो फोर जो गरीब है जो बीमारी है फैमिली में उनके लिए तो क्या है कहना एग्जाइटी ने एक परेशानी वाला काम हो गया डिस्ट्रेस हो गया तो बुरी चीज क्या है, इस में जो हमें दुबारे दुबारे हो रही है वो क्या है, कि जो गरीब है उनको, तो वो अंडर नरीश रह जाते हैं। उनको नहीं मिलता जो क्या होती है ठीक उनको, उनको है आसपास सफाई नहीं होती है तो वो बीमार हो जाते हैं तो जो बीमारी पर जो खर्चा होता है वो मतलब उनकी सिचुएशन है वो और भी वर्स्ट हो जाती है समटाइम्स क्या होता है कि इट इज नॉट ओनली सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती ठीक है जो लोगों को प्रॉपर मेडिकल ड्रेट ना मिले सब टाइम कहते हैं जो वुमेन होती हैं फॉर एग्जाम्पल ले लो वुमेन है उनको डॉक्टर पर लेकर नहीं जा जाता क्यों क्यों नहीं लेकर जाता क्योंकि जो वुमन की जो हेल्थ होती है कंसिडर टू बी लेस इम्पोर्टेंट क्योंकि वुमेन को तो ऐसे कि इतनी ज़्यादा कहाँ जोड़ता है क्योंकि होता है ना हमारी सोसाइटी में जो मे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में क्या होता है कि भाई मेल अगर बीमार होगा तो मुश्किल हो जाएगा ना लेकिन वुमेन होगी तो कोई बात नहीं तो लेस इंपॉर्टेंट कंसिडर होती है तो ये रीज़न भी होता है मैनी ट्राइबल एरियाज हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स ठीक है जो ट्राइबल्स एरियाज होते हैं उसमें हेल्थ सेंटर्स क्या होते हैं बहुत कम होते हैं और रन प्रॉपरली नहीं कर पाते तो जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज़ क्या होती हैं उनको अवेलेबल भी नहीं होती ठीक है तो मतलब ये हमारी सिचुएशन हो गई है कि मतलब कि जो हेल्थ जो केयर फैसिलिटीज़ हैं वो सिर्फ ट्वेंटी परसेंट लोगों के लिए है फोर्टी परसेंट लोगों के लिए नहीं है तो वट कैन बी डन किया क्या जा सकता है इसके लिए एक लीडल डाउट है जो हेल्थ केयर सिचुएशन है मोस्ट पीपल कंट्री की वो क्या है अच्छी नहीं है हमारे ना तो रिस्पॉसिबिलिटी किसकी है गवर्नमेंट की रिस्पॉसिबिलिटी है कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करे हर सिटीजन को स्पेशली पुअर है जो डिसएडवांटेजेस मतलब जिनको मतलब की पूरी तरीके से जो सुविधाएं नहीं मिलती उनको बोलते हैं हेल्थ क्या होती है बहुत डिपेंडेंट किसके बोलते हैं बेसिक जो अम्यूनिटीज अम्यूनिटीज़ क्या होता है सुख सुविधाएं जो सोशल कंडीशन क्या होती है लोगों की हेल्थ केयर सर्विसेज तो ये इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी जो हेल्थ सिचुएशन है लोगों की उसको इंप्रूव किया जाए और और इट कैन भी डन ठीक है और ये किया जा सकता है जैसे आपको ये पिक्चर है ना यहाँ पे गुड हेल्थ एंड वेलबिंग जो गोल है सिस्टम डेवलपमेंट के इसमें सेवेंटीन गोल्स रखे गए हैं इसके मतलब के अंतर्गत क्या है कि हेल्थ के जितनी भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा ठीक है तो नेक्स्ट आपको जो लास्ट बट नॉट नोटलीस आपके टू पैराग्राफ्स रह गए हैं चैप्टर में कि केरला का एक्सपीरियंस दिया गया ठीक है केरला में क्या देखा 1996 में जो केरला गवर्नमेंट है मेड सम चेंजेस इन द स्टेट ठीक है केरला एक स्टेट में 1996 में जो चेंजेस किए गए कि 40 परसेंट है ना जो हमारे एंटायर जो स्टेट का जो बजट है वो गिवन टू द पंचायत ठीक है किसको ये आ सकता है आपका इंटरनल क्वेश्चन में किसको दिया गया फोर्टी परसेंट है जो एंटायर बजट का पंचायत को दिया गया और जिससे वो क्या कर सकते हैं पंचायत को क्यों दिया गया बजट ताकि वो जितने लोग हैं उनको अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें और इससे जो विलेज में जैसे लोगों को मतलब कि अच्छी वोटर है फूड फैसिलिटी है वुमेन डेवलपमेंट एजुकेशन पर खर्चा जाए इसका मतलब क्या है जो सप्लाई जो सप्लाई स्कीम्स हैं उनको चेक किया गया जो वर्किंग है आंगनबाड़ीज़ हैं उनको इंश्योर किया गया कि जो स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं ना प्रॉब्लम्स हैं जो गांव के लोगों की उनको ध्यान दिया जाए जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए ठीक है और सारे की सारी सिचुएशन को इम्प्रूव किया जाए इसके बजाय जो एफर्ट्स किए गए जो जैसे जैसे शॉर्टेज ऑफ मेडिकल सफिशेंट हैं हॉस्पिटल बेड्स हैं हॉस्पिटल बेड अगर प्रॉपर नहीं है ठीक है डॉक्टर्स नहीं हैं तो उनको मतलब कि ध्यान दिया जाए कि वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मिलनी चाहिए उनको तो ये केरला की मतलब की एक्सपीरियंस है ये जो हमें मैंशन किया गया है फिर इसके बाद ये भी बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट है और जो कोस्टा रिका अप्रोच है कोस्टा रिका अप्रोच अब क्या है कोस्टा रिका का मतलब क्या है कंसीडर टू बी वन ऑफ द हेल्थ कंट्रीज इन साउथ अमेरिका ठीक है ये कोस्टा रिका क्या है एक हेल्थ कंट्रीज मानी जाती है मतलब कि बहुत सारी कंट्रीज एक कोस्टा रिका मतलब कि जो साउथ अमेरिका में एक सिटी है जिसको हेल्थ कंट्री मतलब कि बेस्ट माना जाता है कि वहां पर सभी लोग मतलब सही हैं ठीक है जो मेन रीजन क्या है कोस्टा रिका में जो हमारे सेवरल ईयर्स है वो क्या मान क्यों माना गया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो कोस्टा रिका टू का वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन क्योंकि उन्होंने वहां पे एक इम्पोर्टेंट डिसीजीजन लिया लिया गया, गया। डिसाइड किया गया नोट टू हैव एन आर्मी कि आर्मी नहीं होगी वहाँ पे हेल्प द कोस्टा रिका गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी दैट द आर्मी वुड हैव यू की आर्मी ना होगी ना आर्मी पर जो पैसा खर्च करते हैं जो कंट्रीज होती हैं वो लोगों की हेल्थ पे खर्चा जाएगा एजुकेशन पर खर्चा जाएगा तो कोस्टा रिका की जो गवर्नमेंट थी वो उनका मानना था कि जो कंट्री है वो हेल्दी कब होगी जब उनकी मतलब कि जब उनकी डेवलप की जाएगी ठीक है जब उन पर ध्यान उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा बजाय आर्मी पे पैसा खर्च के तो कोसरी का जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं जो बेसिक सर्विसेज है बेसिक अम्यूनिटीज है बेसिक जो सुख सुविधाएं हैं वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जैसे लोगों को ड्रिंकिंग वाटर अगर अच्छा से प्रोवाइड किया गया सैनिटेशन साफ सफाई न्यूट्रिशंस हैं हाउस हेल्थ एजुकेशन अगर प्रोवाइड की जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी है लोगों को नॉलेज देना हेल्थ की तो उन्होंने इस चीज़ पर इंपॉर्टेंट दिया बजाय कि आर्मी पर खर्च करने की तो हमने ये सब पढ़ा है इस चैप्टर में तो मेरे ख्याल से तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको ना समझ में आया हो अगर ना भी आए तो आप एक बार इसको दोबारा सुन लीजिए ठीक है बाकी तो इस अगर आपने चैप्टर अच्छे से रीड कर लिया ना तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जैसे आपको एम सी क्यू के फॉर्म में या फिलअप्स के फॉर्म में ट्यूब फोर्स की मैचिट की वो आपके सारे के सारे अगर आपने अच्छे से रीडिंग की है ना तो हंड्रेड आपके करेक्ट होंगे फिर भी मैं एक वीडियो आपके बना दूंगी इन टॉपिक से रिलेटेड ठीक है अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें क्योंकि मेरे लिए एक एनफोर्समेंट का काम करता है ठीक है तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ टिल देन बी हैप्पी कीप सेडिंग बाय बाय